दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल 2020 की सबसे मजबूत टीमों में शामिल दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में किन खिलाड़ी को खरीद सकती है। यानी आपको बताएंगे उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखें। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैन हैं और चाहते कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 का खिताब जीत जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको दिल्ली कैपिटल जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि साल 2019 का आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए बहुत ही शानदार गया था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2019 के प्लेऑफ से पहुंची, लेकिन क्वालिफाई 2 मुकाबले में चेन्नई की टीम ने उनको हरा दिया। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहती है कि वो 2020 के लिए बहुत ही शानदार टीम बना ले। तो चलिए बात कर लेते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। दोस्तों सबसे पहले खिलाड़ी का नाम निकल के आता है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के शानदार फास्ट बॉलर पैट कमिंस का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के पास कगिसो रबाडे के अलावा कोई भी ऐसा दूसरा विदेशी बॉलर नहीं है जो कि स्वाति ओवर में शानदार बॉलिंग कर सके। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि वो पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल करवा लें। तो दोस्तों आपको बता दें कि पैट कमिंस पहले भी दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से खेल चुके हैं, जिसमें उन्हें बहुत ही शानदार खेल दिखाया था। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल करवा लें। दोस्तों दूसरे नंबर पर खिलाड़ी का नाम निकल के आता वो है न्यूजीलैंड टीम के शानदार बैटिंग ऑलराउंडर जिमी निसम का। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिमी निसम एक शानदार बैटिंग ऑलराउंडर हैं जो कि न्यूजीलैंड टीम की तरफ से बॉलिंग और बैटिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अभी क्रिस मॉरिस को अपनी टीम से बाहर कर दिया है। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि वो जिमी निसम को अपनी टीम में शामिल करवा लें। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिमी निसम इस साल बहुत ही शानदार खेल दिखाया है। इसी बात को देखते हुए सभी आईपीएल टीमें चाहती कि उनको अपनी टीम में शामिल करवा लें। दोस्तों तीसरे नंबर पर खिलाड़ी का नाम निकल के आता वह है वेस्टइंडीज टीम के शानदार विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हिटमार का। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिटमार को अभी आरसीबी की टीम ने अपनी टीम से बाहर कर दिया है। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम उनको भी खरीद सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के पास हिस्से में कोई भी ऐसा बैकअप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है जो कि शानदार बल्लेबाजी कर सके। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि उनको कम पैसों में खरीद ले और उनकी टीम के लिए शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी करे। दोस्तों चौथे नंबर पर खिलाड़ी का नाम निकल के आता हुआ इंग्लैंड टीम के शानदार बैटिंग ऑलराउंडर सैम करन का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि पंजाब की टीम ने अभी सैम करन को अपनी टीम से बाहर कर दिया है। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम उनको भी खरीद सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर जिमी निसम को नहीं खरीद पाई तो डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि वो सैम करन को अपनी टीम में शामिल करवा लें। तो दोस्तों आपको बता दें कि सैम करन इस समय बहुत ही शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि सैम करन को अपनी टीम में शामिल करवा लें। दोस्तों पांचवें नंबर पर खिलाड़ी का नाम निकल के आता है इंग्लैंड टीम के शानदार ओपनिंग बल्लेबाज जेसन रॉय का। तो दोस्तों आपको बता दें कि जेसन रॉय पहले भी दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से खेल चुके हैं, जिसने बहुत ही शानदार खेल दिखाया था। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि उनको अपनी टीम में शामिल करवा लें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के पास इस समय कोई भी ऐसा तीसरा ओपनर नहीं है जो कि शानदार बल्लेबाजी कर सके। इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि वो जेसन रॉय को कम पैसों में खरीद ले और उनके बैकअप ओपनर के रूप में शामिल हो जाए। दोस्तों मेरे मुताबिक ये 5 खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स की टीम किस ऑलराउंडर को खरीद सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।